आज का हमारा टॉपिक है हार्मोनिक मेन। इससे पहले हमने ज्योमेट्रिक मेन सिखाया था आपको, अब हम बनाने चल रहे हैं हार्मोनिक मेन। हार्मोनिक मेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से करेंगे, उसके बारे में आज की वीडियो तैयार होने जा रही है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हार्मोनिक मेन। हार्मोनिक मेन जिसको हम हिंदी में हरात्मक माध्य बोलते हैं, हरात्मक माध्य। यह हरात्मक माध्य कैसे निकाला जाएगा? हमारे पास तीन प्रकार की सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। इस वक्त हमारे सामने इंडिविजुअल की प्रॉब्लम लेके हम आए हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज समझेंगे, जिसमें एक्स नाम के डाटाज को लेंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक प्रकार का क्वेश्चन, और जो कि हमारे सामने मौजूद है यहाँ पर। इसमें हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखा है, हरात्मक कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग वैल्यू। तो हम ये जो वैल्यू देख लीजिए आप, सारी वैल्यू एक जैसी हैं। तो इन सब में हम पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं, 85, 70, 15, 500, 36, 20, 45, 250, 40 को, इसी को बनाते हैं और फिर इसका आपको आंसर चेक करवाएंगे। 85, फिर 70, 15, 500, 36, 20, 45, 250 एंड 40, ये हमारे पास इसके नंबर्स मौजूद हो गए हैं। अब हम इसका पहले हरात्मक माध्य निकालने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल एक्स ऐसे लिख देंगे, REC.X। रेसिप्रोकल एक्स का मतलब होता है इन सबको वन में डिवाइड करिए, यानी कि ऐसे जैसे 85 है तो पहले लिखिए 1, लिख दिया, इसके बाद डिवाइड का निशान लगाइए, फिर 85 लिखिए। ये आता है पॉइंट, तो देखिए पॉइंट के 5 डिजिट तक लिखना है, 0.01176 यहाँ तक लिखेंगे, 0.01176 यहाँ तक लिखेंगे, 5 दशमलव के 5 अंकों तक। आगे 70 है, 1/70 करेंगे ऐसे, 1 पहले 1 दबाएंगे अपॉन 70, इस तरह से 0.01428, इस प्रकार से ऐसे ही 15 का करेंगे, 1/15, तो हमें प्राप्त होता है 0.06666, ये तो 66 चलता रहेगा। 1/500 करेंगे, 1/500 इस तरह से, तो हमें प्राप्त होगा 0.002। इसके बाद 1/36 क्या है, 0.02777, 5 दशमलव 5 अंकों तक लेके चल रहे हैं। आगे आता 1/20, ये प्राप्त हुआ 0.05। इसके बाद है 1/45, आप देख रहे हैं कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 0.02222 इस तरह से। आगे है 1/25, 0.50 यानी कि 250, 0.004, लास्ट में है 1/40, यह है 0.025 इस तरह से। फिर हम इसका रेसिप्रोकल एक्स कर लेंगे, सिग्मा रेसिप्रोकल एक्स, यानी इसका टोटल क्या होगा, तो इसका टोटल भी करना पड़ेगा। टोटल करेंगे इसी तरह से, टोटल करेंगे ऊपर से जोड़ेंगे, टोटल करने में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, मुझे भी थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, और आप भी देखते रहिए, मैं मुंह से बोलता भी रहूँगा और दिखाता भी रहूँगा। 0.01176 ओ गलत, 0.01176 आप सही है, मैच भी करते रहिए, चलो इतनी दूर करके तब चेक करेंगे, हो गया। प्लस 0.01428 प्लस 0.06666 चलो आप प्लस 0.002 प्लस अगला नंबर है 2 की पॉइंट प्लस करेंगे 0.02777 चार बार, 3 बार 7 है, प्लस 0.050 यानी कि 5 ही रहेगा, तभी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है प्लस 0.02222 प्लस 0.004
प्लस 0.025 इक्वल टू हुआ, यहाँ पर देखेंगे 0.22369, ये प्राप्त हुआ टोटल। अब आपने देखा बड़ी सावधानी करनी पड़ती है बदलने, मतलब अगर आप सावधानी बरतेंगे तो सवाल 500 से ही आएगा, यानी मतलब ये है। अब हम इसका लेंगे HM, हार्मोनिक मीन। HM इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल, सिग्मा रेसिप्रोकल एक्स अपॉन एन। ध्यान देंगे इसका टोटल आया था 0.22369 अपॉन, ये गिनती है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, ये टोटल 9 नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 से इसको डिवाइड करेंगे, रेसिप्रोकल यहाँ लिख देंगे, रेसिप्रोकल ये नंबर, इसकी वैल्यू डिवाइड करेंगे 9 से अपॉन 9, ये प्राप्त हुआ 0.024854, ये हमारा रेसिप्रोकल करना है, इसका भी ध्यान दीजिए। अभी हमने रेसिप्रोकल भी लेना है, मैंने इक्वल टू यहीं कर दिया, रेसिप्रोकल भी करना है इसका, इसको 1 से डिवाइड करना है, यानी 1 में डिवाइड करना है, लिखना है 1 अपॉन डिवाइड का निशान लगाएंगे 1 लिख के, और अपॉन में इसको लिखेंगे 0.024854, यही लिखेंगे। नंबर आता है 40.23, लगभग यही आना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए। अब चेक करते हैं किसका आंसर है क्या, देखेंगे आंसर क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा क्वेश्चन था और ये हमारा आंसर है 40.23। आपने देख लिया पहला ही क्वेश्चन हमने बनाया था ये वाला, और इसका आंसर ये रहा 40.23। इसलिए आपने देखा इस यहाँ पर कि थोड़ी सी सावधानी हमने बरती और यहाँ पर हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया, जबकि काफ़ी टिपिकल होता है ये जब हार्मोनिक मीन निकालना, पॉइंटों का खेल होता है थोड़ा सा। तो मिलते हैं एक नई सीरीज लेंगे, अब की दूसरी वाली क्या है उसका नाम डिस्क्रीट सीरीज, उसमें हम सीखेंगे हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं। ये थी इंडिविजुअल सीरीज जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको हमने सॉल्व करके दिखाया है बाकायदे, और इसका आपको आंसर भी दिखाया बाकायदे। और मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ अगली वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।